नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल डंके की चोट पे में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे नेल पेंट रिमूवर के अलावा इन चीजों से भी नाखूनों को कर सकते हैं साफ के बारे में। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल डंके की चोट पे तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी वाले वीडियो रोज लेकर आते रहते हैं। नेल्स पर नेल पेंट लगाने से उनकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है, यहाँ तक कि रंग बिरंगे नेल पेंट्स किसी को भी अपनी तरफ आसानी से भी आकर्षित कर लेते हैं। नेल पॉलिश को हटाने के लिए रिमूवर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन घर में मौजूद कुछ चीजों से भी आप इसे क्लीन कर सकती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि घर में मौजूद किन चीजों से आप नेल पेंट को रिमूव कर सकती हैं। टूथपेस्ट। अगर घर में नेल पेंट रिमूवर खत्म हो गया हो और आपको तुरंत जाना हो, ऐसे में घर में रोजाना इस्तेमाल होने वाला टूथपेस्ट नेल पेंट रिमूवर का काम करेगा। इसके लिए किसी पुराने टूथब्रश से अपने नाखूनों पर थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाएं। इसमें इथाइल एसिटेट होता है जो नेल पॉलिश को आसानी से हटा देता है। डियोरेंट। डियो को नाखूनों पर स्प्रे करें और रुई से थोड़ा सा रब करें। ऐसा करने से नेल पेंट साफ हो जाएगा। सैनिटाइजर। हैंड सैनिटाइजर से भी नेल पेंट रिमूव हो सकता है। इसे नाखूनों पर लगाएं और रुई से साफ करने की कोशिश करें। हेयर स्प्रे। नेल पेंट को हेयर स्प्रे से भी साफ किया जा सकता है, लेकिन स्प्रे करने के बाद नाखूनों को तुरंत साफ करें, नहीं तो रुई चिपक जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जैसी जगहों पर शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूले, हम जल्द से जल्द जवाब देंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारा YouTube चैनल डंके की चोट पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रोजाना हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।